दोस्तों और मेरे गुड मॉर्निंग कुछ ऐसी ही हुई गुड है। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग लड्डू और पुचका। गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग दोस्तों और मेरी अभी तक आँख भी अच्छे से नहीं खुली। एक आँख खुल रही है, एक आँख नहीं खुल रही है। तो मैं थोड़ी देर बाद जब उठ जाती हूँ तो मैं आप लोगों से मिलती हूँ। दोस्तों अब हम बैठ गए हैं खाना खाने के लिए। और खाने में मैंने आपको बताया था कि मैंने दाल चावल और आलू की सब्जी बनाई है, प्याज है, तो अब यही खाना खाएंगे। और बाबू भी आ गए हैं। दोस्तों हमारा खाना, तो दोस्तों खाना खा लेते हैं उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो बाबू आ गए हैं, बाहर गए थे। कहाँ गए थे वो मैं नहीं बताऊंगी, वो राज मैं खोलूंगी कुछ कितने टाइम बाद, कुछ टाइम बाद, अभी नहीं बताऊंगी सारी बातें अभी नहीं बताऊंगी, बताऊंगी आप सबको बताऊंगी लेकिन बाद में बताऊंगी। और बाकी मैंने कुछ कुछ सामान मंगाया था थोड़ा बहुत, तो वो भी मैं दिखा देती। जाने का मन मेरा भी था एक्चुअली, लेकिन वही मेरा ऑफिस का काम रहता है तो मुझे टाइम नहीं लगता है तो मैं नहीं जा सकती। बाकी मैं दिखाती हूँ बाबू क्या क्या सामान लेके आए। और बाबू तो बाबू लेके आए टोस्ट, क्योंकि मैं सुबह टोस्ट लेती हूँ चाय के साथ, खाली चाय नहीं पीती हूँ। और लेके आए बिस्किट। और ये कौन पिएगा, कौन पिएगा, कौन पिएगा, ये वो नहीं है जो आप समझ रहे हो, ये है एप्पल जूस और ये मेरी चॉकलेट्स। पापा देखेंगे तो गुस्सा होएंगे पक्का, वीडियो की चॉकलेट्स क्यों खा रही है। लेकिन मेरे को कभी कभी खाने के बाद मन करता है चॉकलेट्स खाने का। और ये मेरा जूस, ये मॉम्स मैजिक। और बस दोस्तों यही थोड़ा बहुत सामान मंगवाया था। बाकी अभी मेरी तबीयत पता नहीं क्यों ठीक नहीं है, मौसम ऐसा चल रहा है अच्छा नहीं लगता, अंदर से ऐसा वीकनेस सा फील होता रहता है। अभी मेरे को ऐसा लग रहा है ना कि मेरा गला एकदम ऐसा भारी हो गया, बैठा बैठा गला रहता है। बाकी ये सत्तू है, सत्तू वो खुद के पीने के लिए लेके आए हैं। ये छोटू छोटू पेप्सी दिखाओ, कितने रुपए, 10 रुपए वाली पेप्सी, 20 रुपए की है ये छोटू पेप्सी। है किसी में फ्री आई होगी ना, ऐसे ही तुमने खरीदी। ओके और तो मैं बता रही थी दोस्तों कि गला सही नहीं रह रहा, गला तबीयत पता नहीं क्यों ऐसा फील होता है। शायद अभी आप लोगों के साथ भी अगर ऐसा हो रहा है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि गला बैठा रहना और ऐसा बॉडी बहुत लो फील कर रही है अभी। जैसा मैं बहुत एनर्जेटिक रहती हूँ ना, नोटिफिकेशन, वैसा नहीं लग रहा है। बाकी बाकी चाय पियेंगे उससे बेटर फील होगा। और देखते हैं रात का क्या खाना बनाते हैं। दिन का मैंने आपको बताया था दाल चावल खाया था, अभी रात का देखते हैं। बाकी कहीं बाहर भी नहीं जा पा रही, बाहर जाती तो थोड़ा सा और शूट ले पा रही। अभी आपको मेरे को ऐसे ही झेलना पड़ेगा। गाइज इस व्लॉग को ट्रेंडिंग में लेके आओ, कोशिश कर सकते हैं एटलीस्ट। हमको अपना बेस्ट देना चाहिए ना, जितना हम बेस्ट दे सके। तो अगर ऐसा व्लॉग अगर ट्रेंडिंग कर जाए, मतलब मेरा तो व्लॉग अभी मैं जितना चाह रही उतना रीच नहीं कर रहा, अगर ट्रेंडिंग कर जाए तो बात ही क्या है। खैर दोस्तों तो मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। एक चीज़ मैं आपको दिखाना भूल गई, मतलब एक चीज़ दिखाना जो बाबू मेरे लेके आए। मैं रू अफ्जा दिखा रही थी। और रू अफ्जा क्यों दिखा रही हूँ, मैं इसका कोई एडवर्टीजमेंट नहीं कर रही हूँ ना, मैं ये बोल रही हूँ कि आप लेके पियो। एक्चुअली मुझे इससे ना, मतलब मेरी बहुत पुरानी यादें जुड़ी हुई है। व्हेन आई वाज किड तो मेरी अम्मा रू अफ्जा बहुत बनाती थी, और उस समय के बाद मैंने आज तक रू अफ्जा नहीं पिया। मतलब व्हेन आई वाज किड तभी मैंने रू अफ्जा पिया था, उसके बाद कभी मौका ही नहीं मिला, ना मैंने खुद से परचेज किया, ना घर वालों ने परचेज किया, किसी ने किया ही नहीं। तो कल ऐसे ही बैठी थी नॉर्मली, तो मैंने बाबू को बोला कि बाबू तुम ना रू अफ्जा लेके आना, और मुझे वही पुराने दिन ऐसे ही रिमाइंड हुए कि चलो रू अफ्जा मंगाते। तो फिर मैंने आज रू अफ्जा मंगाया और इसको मैं पीऊंगी, लेकिन मेरा गला ठीक हो जाए उसके बाद मैं रू अफ्जा पीऊंगी। तो बस यही बताना था। चलते दोस्तों सारा सामान जो है वो के लगा देते हैं फ्रिज में। बाबू कर रहे पूजा, मिठू गई है मंदिर, जाना मुझे भी था मन था मंदिर, लेकिन काम कर रही थी तो नहीं जा पाई। तो अभी फ्रिज में सारा सामान लगा देती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। दोस्तों तो सुबह हो गई, सुबह क्या अभी तो काफ़ी समय हो गया है, मैं लेट उठती हूँ और बापू सुबह जल्दी उठते हैं, फिर वो जब मैं उठती हूँ तो फिर वो सो जाते हैं क्योंकि उनको सुबह उठना होता है, कुछ काम रहते हैं घर के।
तो मैं अभी वैसे शूट करने का मेरा नहीं था प्लान, कल रात का व्लॉग मैंने वहीं तक आपने देखा था छोड़ा था, लेकिन मेरे को एक चीज़ बड़ी क्यूट लगी, मैं आपको दिखाती हूँ। रुकिए, ये एप्पल देख रहे हैं, एप्पल आप सोच रहे होंगे एप्पल क्यों दिखा रही हूँ सुबह सुबह, तो एप्पल मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि एप्पल मैं आपको, तो ये वाला एप्पल मैं आपको इसीलिए दिखा रही थी क्योंकि पता है क्या होता है, मतलब क्या होता है, क्या होता है, क्या मेरे साथ डेली का एप्पल खाना है, राइट, बाबू ने बोला है, बाबू ने क्या बोला, और खाना ही चाहिए, सबको खाना चाहिए, तो मैं डेली भूल जाती हूँ, डेली मेरा यही रहता है कि मैं भूल जाती हूँ। तो मैंने उनको बोला था यार तुमने मेरे लिए कट करके रख देना, नहीं तो कट करके रखेंगे तो ख़राब हो जाएगा, तो उन्होंने, क्योंकि मैं सुबह चाय पीती हूँ जाती हूँ किचन में, तो वहीं किचन में उन्होंने एक एप्पल अलग से निकाल के रखा है ताकि जब ये उठे और ये किचन में पहुँचे तो इसको एप्पल दिख जाए और ये एप्पल खा ले, यार पति हो जाए ऐसा सीरियसली। बाकी मिठू अभी कहेंगे बंदे दोस्तों, और वो आएंगी, पता नहीं कब आएंगी, काफ़ी देर हो गई है, आती होंगी, फिर देखते खाना क्या बनाना है, खाना अभी तक वैसे कुछ बनाया नहीं है, कुछ है वो एक ग्वार की फली जैसा कुछ आता है ना, ऐसा लंबा लंबा दिखाती हूँ मैं, तो दोस्तों ये ग्वार की फली जैसा होता है, पता नहीं क्या होता है आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं, बड़ी बड़ी फली रहती है, इसकी सब्ज़ी पापा के लिए बना देंगे, बाकी हम लोग शायद कढ़ी राइस खाएंगे, देखते हैं, तो पता नहीं, मैंने खाई भी नहीं है इवन आज तक ये सब्ज़ी, मैंने नहीं खाई, ग्वार की फली खाया, सेम की फली खाया, बीन्स खाया, बट आई नेवर हैड दिस इन माई लाइफ, बट आज मैं बनाऊंगी, फर्स्ट टाइम इसको बनाती हूँ, तो बाकी खाना बना लेती हूँ पापा का भी और हमारा भी, उसके बाद अभी चाय पीती हूँ ना, मीठू आती तब मैं आप लोगों से मिलती हूँ। दोस्तों ये है सहजन की फली, मुझे पता नहीं था, ये हमारे ना आगे जगह है वहाँ पे लगा रखी है, घर में ही बो रखी है, तो वहीं से ये बेबी प्लांट है सहजन का, मेरे को लगा कि पता नहीं क्या है ये, भी शायद कुछ और सब्जी होगी, मिठू काट रही है इसमें फरसुल में, तो ये सहजन की फली है दोस्तों, मिठू हेलो तो बोल दो तो दोस्तों वो थी सहजन की फली, और अभी हम लोग को निकलना है थोड़ा बाहर काम से, तो मैं थोड़ा सा सामान लेके आना है, तो मैं अपना सामान निकाल लेती हूँ, फिर बाद में मैं आपसे मिलती हूँ, रेडी होके। तो दोस्तों मैं हो गई हूँ रेडी, और ये है मेरा आज का आउटफिट, बाकी अब हम निकलते हैं, और टाइम अराउंड बज गए हैं 12 और शायद उससे ज़्यादा ही हो गया होगा, मेरे को पता भी नहीं टाइम कितना हो गया, तो अभी निकलते हैं, थोड़ा सा काम है, और जहाँ जहाँ चलेंगे मैं आपको दिखाऊंगी, तो मैं निकलती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। दोस्तों मैं हूँ अभी घर के बाहर और हम निकल गए हैं, ये रे बाबू, तो मैं आगे मार्केट पहुँच के आपसे मिलती हूँ। ये वाला कटहल है, तो दोस्तों ये हमारे मतलब ये मेरा बगीचा है, हमारा बगीचा है, आई मीन ये है कटहल का पेड़ और वो है आम के पेड़, तो मैं अभी जा रही थी रास्ते में, तो मैंने सोचा कि चलो मैं आपको दिखाती चलती हूँ, तो सारे हमारे आम के पेड़ है, और ये वाला किस चीज़ का वो, अच्छा ये ऐसे ही है, ये सारे हमारे आम के पेड़ है, ये वहाँ तक ना, यहाँ तक एंड हो जाती है बाउंड्री, तो ये हमारा बगीचा था दोस्तों हम लोग आ गए हैं, एक्चुअली हम लोग आए थे SBI बैंक, और कुछ काम था मुझे, KYC अपडेट करवाना था, लेकिन होगा वो भिवानी की ब्रांच से, बट वी विल जस्ट ट्राई अवर बेस्ट, हम देखते हैं। तो दोस्तों जो फॉर्म था वो ले लिया है, बट यहाँ से नहीं होगा, बाय पोस्ट हमको करना पड़ेगा, तो अभी मैं सिग्नेचर करके बाय कुरियर उसको भेज दूँगी, बाकी हम करवा के भेजते हैं। तो यहाँ से एक और हमें फोटो कॉपी करवाना है, तो वो करवा लेते हैं। दोस्तों यहाँ बैठ के हमने फॉर्म फिल कर लिया सारा, और उसके बाद थोड़ा सा रह गया वो कर रहे हैं बाबू, फिर मैं ये कुरियर कर दूँगी अपने भाई को, फिर ये वहाँ जाके मेरा KYC अपडेट करा देगा, होपफुली हो जाए, नहीं तो फिर मुझे भी वहाँ नहीं जाना पड़ेगा, अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो बाबू सारा अभी फॉर्मेलिटीज़ कम्प्लीट कर रहे हैं, तो ये सारा इसको भी भेज देंगे। दोस्तों अभी रामनवमी आ रही है, तो यहाँ पे लोग फ्लैग खरीद रहे हैं, तो हम भी सोच रहे हैं कि ले ले, बट देखते हैं अगर ये सही रेट लगाएगा तो लेंगे। तो दोस्तों वो वाला अंकल हमको लूट रहा था तो हम दूसरी शॉप पे आ गए हैं, अभी इन भैया के पास देख रहे हैं,
इनके पास एक हनुमान जी वाला भी है, एक हनुमान जी वाला भी है, एक ये वाला भी, ये भी अच्छा है। वो मेरे ख्याल से ये जय श्री राम वाला ले लेते हैं, है ना। कॉल आ रहा है तो ये दे दो, ये वाला दे दो। हाँ तो ये वाला दोस्तों हम ले रहे हैं। हाँ तो इन भैया से हमने लिया ये जय श्री राम वाला फ्लैग। इनके पास सारे हैं छोटे बड़े, लेकिन हमको ये अच्छा लगा तो हमने ये ले लिया। भैया ना भैया ये भी हो जाए। हाँ ये वाला दे दो। भैया को दे दी पैसे और अभी हम यहाँ से चलते हैं। हमको टावल लेने थे, इधर एक शॉप पे आए हैं, दो छोटे छोटे टावल पूजा के लिए। रामनवमी की पूजा है जो अष्टमी के दिन हम करते हैं, तो टावल ले रहे हैं। हम आ गए हैं कुरियर के लिए और मेरे को बहुत जल्दी कुरियर करना बहुत ज़रूरी है, तो अभी कुरियर करवा देती हूँ। आ गए कुरियर करवाने के लिए, तो दोस्तों करवा देते हैं। दोस्तों कर दिया मैंने एकदम स्पीड से भी स्पीड वाला कुरियर, होपफुली 31 को पहुँच जाएगा, क्योंकि KYC करवाना बहुत ज़रूरी है। बैंक से मेरे को आया हुआ था लेटर ना कि KYC अपडेट करवाना। आई डोंट नो व्हाई, खैर इसलिए भी हो सकता है कि क्योंकि काफ़ी दिन बीत गए हैं, KYC नहीं हुआ अपडेट। तो अभी हम चलते हैं, थोड़ा सा सामान और लेना है रामनवमी के लिए, घड़ा लेना है, वो जो क्या बोलते हैं उसको दुपट्टा था वो सब कुछ ले लिया, बस एक घड़ा रह गया, तो वो सब ले लेते हैं और फिर घर चलते हैं। और घर चल के फिर मैं आपसे मिलूँगी, क्या पता मैं आगे शूट कर पाऊँ या नहीं कर पाऊँ, क्योंकि मेरे हाथ में रहेगा सामान और फिर फ़ोन हैंडल करना। तो मैं घर पहुँच के मैं आपसे मिलती हूँ। तो हम लोग आ गए हैं यहाँ पे कुमारन के पास, लेना है हमको एक घड़ा, तो मुझे सबसे बड़ा वाला ही लेना है क्योंकि पानी भी पीने के लिए काम आ जाएगा, गर्मियों में पानी बहुत अच्छा रहता है। तो मैं दी आंटी, हाँ कैसे दिया है, 600 का है। तो दोस्तों देखते हैं, आंटी ये बोल रही 600 का, अपने हरियाणा में तो 100 रुपये में आ जाता है। 160 रुपये का बोल रही है आंटी, करवाओ यही वाला ले लें। ठीक है तो यही वाला दोस्तों ले, एक वो वाला भी है ना, वो भी ऐसा ही है, सेम ही है। अच्छा नल है, ओके ओके, नहीं यही दे दो, फूटा तो नहीं है ना, एक बार चेक कर दो। आपसे ही लिया था ना, यहीं पे मैं आई थी, आपसे ही लेके गई थी, बस देख लेना कि फूटा ना हो घड़ा, है ना। हाँ एक बार पानी डाल के चेक कर दो। तो अभी इनसे पानी डाल के चेक करवा रहे घड़ा। सही है, से घड़ा और उसके ऊपर ये सब ले लिया, दो लेने थे ना ये हैं क्या, ये ये दीपक कैसे दिया, 15 रुपये का दिया। तो अभी हम आंटी से ले लेते सारा सामान, फिर यहाँ से निकलते हैं। दो लेने पड़ेंगे, दो बोले थे ना मम्मी ने, कैडबर्ड तो दोस्तों ऑलमोस्ट सारा काम हो गया है। अभी जाना है कुछ और लेना, आलू वगैरह, अभी हमको फ्रूट्स लेने हैं, आलू लेने हैं, वो सब हम आगे से लेंगे। आंटी से सारा सामान ले लिया है। आंटी मेरा चैनल है, वीडियो डालती हूँ यूट्यूब पे, हाँ तो आपको सब लोग देखेंगे। ना 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 आंटी कह रही नहीं नहीं। चलो दोस्तों घर पहुँच के मिलते हैं। दोस्तों अभी आ गए हम लोग जूस पीने,
बाहर का वैसे भी मैं जल्दी से कुछ खाती नहीं हूँ, तो जूस पी लेती हूँ, वो बेटर रहेगा हेल्थ के लिए भी और वैसे भी। मैंने बोला कि भैया मिक्स बनाओ, तो भैया मिक्स बना रहे हैं। उसमें मैं पाइनएप्पल और मौसमी का बनवा रही हूँ। देखते भैया कैसा बनाते हैं, क्योंकि मैं जल्दी से कहीं भी, आपको मालूम है दोस्तों, नहीं पीती हूँ, लेकिन ट्राई करना चाहिए दोस्तों। भैया ने जूस बहुत अच्छा बनाया, नो डाउट, बहुत 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 बढ़िया, अच्छा बना है भैया। दो छील के खिलाऊं, खा लेगी, ले छोटू मेमना। मैं आ गई हूँ घर, और अभी ये वाला व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिट्टू भी लगी है साफ सफाई में, मैं दिखाती हूँ आपको, दिखाती हूँ। देखो यहाँ सारा किचन का सामान बाहर निकाल दिया है, क्योंकि अभी उसकी अष्टमी, नवमी की पूजा आएगी ना, अष्टमी की, नवमी की, दोनों की, अष्टमी और नवमी की जो पूजा होगी उसके लिए अभी किचन विचन सारा क्लीन करना है, फिर सारा हम अंदर सामान लगाएंगे। और अभी ये व्लॉग यहीं एंड करते हैं, इस व्लॉग को यहीं तक रखते हैं। और गाइस, जिस जिसने मेरा चैनल अभी तक नहीं किया सब्सक्राइब, प्लीज़ डू सब्सक्राइब अवर चैनल विच इज़ नेहा सिसोदिया। लव यू ऑल, खुश रहिए, प्यार बांटिए।